हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं, क्रेस्ट पार्क नेचर ट्रेल है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। और ऊपर वो जो आप बर्ड देख रहे हैं, ये ग्रीन मुनिया बोलते हैं, इसको ग्रीन अवदावत भी बोलते हैं। और ये रेयरेस्ट बर्ड है, ये सिर्फ माउंट आबू में ही मिलते हैं। काफ़ी बर्ड वॉचर्स जो है, जो स्पेशली बर्ड वॉचिंग के लिए माउंट आबू आते हैं, वो सिर्फ इस बर्ड के लिए आते हैं। परफेक्ट, वाह। तो अभी अर्ली मॉर्निंग है, तो हो सकता हमको भी दिख जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिर इसका साइज ये छोटा इतना ही होता है? ये ब्रिटिश ट्रेल है। हाँ, हॉर्स के ऊपर। हॉर्स के ऊपर। उस टाइम पे लायन टाइगर सब सारे जानवर होते थे। ओके। एंड स्टिल अच्छा कंडीशन में है, क्योंकि उस टाइम का बनाया हुआ है। हम लोग इसको ब्रिटिश ट्रेल कहते हैं, बाकी हार्ड वर्क जो है वो हम लोगों का ही है। हाँ, हम लोग मजदूर तो इंडियन ही होंगे ना, तो वो इसको बताते ब्रिटिश ट्रेल है, पर ये बनाया हमारे लोगों ने ही है। अभी भी ये बेटर कंडीशन में है वॉकिंग, क्योंकि शायद उस समय इतना करप्शन नहीं होगा। अभी हंटिंग वगैरह टोटली बैन हो गया है। पर स्टिल ये यहाँ की जो ये रॉक्स है ना, उसी के पत्थरों से बना है। हाँ, ये उसी का। आप देख रहे हैं, हम ट्रैकिंग के लिए आ गए हैं। सुबह का समय है, आपने देखा कि कैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है ब्रिटिश ट्रेल की। तो ब्रिटिशर्स ने जब राज किया, तब ऑब्वियसली बहुत कुछ किया जो भारतीय लोगों ने किया, मगर वो अभी तक है, हम उसे देख सकते हैं। चाहे हमारी पार्लियामेंट की बिल्डिंग हो, या एक ब्रिटिश ट्रेल का फुटपाथ हो माउंट आबू के अंदर। सो लेट्स सी कि हम आगे का क्या क्या देखते हैं और क्या क्या जानते हैं। बालू के, अच्छा, अंदर वाटर टैंक है, पानी पीने के लिए जाता है। तो बालू ऐसे कूद जाता है, जंप ले लेता है। ये आप व्यू देख सकते हैं, ये जो प्लांट है ना सर जी, ये एक्चुअली जो ट्राइब्स लोग जो थे ना पहले नेचर में, हाँ, वो इसको स्टिचिंग के लिए यूज करते थे, क्योंकि ट्राइबल्स जनरली जो सब चीज़ नेचर के ऊपर ही वो डिपेंड रहते थे। तो अगर आप इसको शार्प करेंगे, सो देयर इज अ लॉन्ग फाइबर इनसाइड। ओके ओके। वो इसको एज ए नीडल एंड थ्रेड यूज करते थे स्टिचिंग के लिए। ये सेम इस तरह का रहेगा, इसको लोकल लैंग्वेज में रामबास बोलते हैं, बम्बू ऑफ रामा। क्या बोलते हैं? रामबास। रामबास, बम्बू ऑफ रामा, रामा, भगवान राम। हाँ, वेरी गुड। गॉड रामा जब एग्जाइल हुए थे 14 ईयर, तब वो जो हट बना कर रहे थे ना, वो बांस का और इसका बना कर रहे थे, तो उस टाइम से इसको बम्बू ऑफ रामा बोलते हैं। वैसे इसका बॉटनिकल नेम इसको अगावे बोलते हैं। दिख रहा है आपको, ये छोटे, हाँ जी, इंसेक्ट्स होते हैं ना, छोटे होते हैं, उनको खाने के लिए। मैं पीछे पीछे चल रही हूँ, because that's the best way, this is the path for trekking, and yes, this is how it is. So पायल रोहतगी ट्रैकिंग भी कर सकती है, पायल रोहतगी वाइल्ड लाइफ सफारी भी कर सकती है, पायल रोहतगी खुली जीप में भी ट्रैवल कर सकती है। सो पायल रोहतगी ने नेचर के साथ बहुत ज़्यादा अभी क्लोज कांटेक्ट किया है हर जन्मदिन सेलिब्रेशन वीक में। सो लेट्स सी और हम आगे क्या क्या देखते हैं। अच्छा, मतलब अपने आप बने हुए। हाँ, क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। ये जो होल्स वगैरह जो रॉक्स के अंदर आप देख रहे हैं ना, हाँ जी, ये नेचुरली बने हुए हैं। नेचुरली बने हैं, ये वेदिंग इफेक्ट है, हवा और पानी से बने हैं। ओके, नॉर्मल नेचुरल इरोजन। एक्चुअली पूरा जो बेल्ट है ये वोल्केनिक है, अराउली माउंटेन, एंड दिस माउंटेन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इट्स ओल्डर देन हिमालय। ओह ओके।
एंड इट्स कवर फोर स्टेट, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। इसका जो अपर पार्ट है, इवन जो हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, वो माउंट आबू में ही, यहाँ से 18 किलोमीटर दूर। हाँ, देखा। ये पूरा जो माउंटेन है ये वॉल्केनिक है, ये नेचुरली बना हुआ है, ये इग्नियस रॉक है। वॉल्केनिक मतलब लावा से बना हुआ है। अच्छा, लावा मतलब फट सकता है। अभी ये काफी थाउजेंड अभी नहीं फटेगा। कौन सी वर्ड है? एयर बबल्स है ये। क्या एयर बबल्स है? हाँ। जो स्टोन्स के अंदर होल्स वगैरह जो बने हुए हैं ना। ओके। नेचुरली जैसे आपने यहाँ पर टॉड रॉक के बारे में सुना होगा या हाँ। देखा भी होगा, तो उसको बनाया नहीं है, ये अपने आप बन गया। वो नेचुरली बना हुआ है। यहाँ पे इस तरह के काफी फॉर्मेशन है। वो डिपेंड करता है कि हम लोग कितने क्रिएटिव है, आपका माइंड कितना क्रिएटिव है। हमने उसको टॉड रॉक नाम दे रखा, आप शायद उसको और कुछ कर सकते हो। यहाँ पर जब हम अपने लोगों के बीच में होते हैं तो मास्क थोड़ा निकाल देते हैं, क्योंकि मास्क पहन के चढ़ाई पॉसिबल नहीं होती। इट्स रियली रियली डिफ़िकल्ट। जी हाँ, मगर जब हम अननोन लोगों के ग्रुप में होते हैं या पब्लिक प्लेस पे होते हैं तो मास्क फटाफट पहन लेते हैं। मैं सभी लोगों को कहना चाहती हूँ, एंड कोविड से प्रिकॉशंस रखनी पड़ेगी, बिकॉज वी आर यू नो फाइटिंग अ पैंडेमिक, बट यस प्रैक्टिकली। मॉन्क साधु रहते हैं। हाँ। वो यहाँ पर रहते हैं, तो उनका केव भी है नीचे। ओके। तो उनकी मेमोरी में ये बना रखा है, तो Very उनके good. जो फॉलोवर्स है वो आते हैं मेडिटेशन करते तो हैं। अभी मिलेंगे हमें? अभी नहीं है, मतलब आते हैं मेडिटेशन करते हैं, चले जाते हैं। क्योंकि नॉर्मली उनके जहाँ पर उनके गुरु मेडिटेट कर गए ना, एवरीवेयर हम देखते हैं महादेव जी का एग्जिस्टेंस। हर हर महादेव। नेचुरल केव है, अगर आपको दिखता है यहाँ से। इसमें ये क्या है? लेपर्ड केव है। वाओ। इसमें आप पद्माक्ष भी देख सकते हो, लेपर्ड के अंदर पद्माक्ष। तो बारिश होती तब आता है यहाँ पे? बारिश में यहाँ पर जाता है। या धूप होती है तब? बारिश में द लेपर्ड केव। तो यहाँ तो बारिश का पानी आएगा नहीं। क्या है ये? कड़ी पत्ता है जी। हाँ, मतलब कड़ी पत्ता। हाँ। ये नेचुरल लगा हुआ, नेचुरल करी लीव्स है। ओके। और एक्चुअली हम लोग जो इसको यूज कर रहे हैं, हम लोग 99% हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो सर इसलिए यूज करते हैं कि स्मेल के लिए। हाँ, खुशबू आए खाने के अंदर। हमारे जो पूर्वज थे वो लोग एक्चुअली इसके बेनिफिट्स जानते थे जी। इट्स फुल ऑफ विटामिन सी, विटामिन। और अभी कोविड के टाइम में भी कड़ी पत्ता यूज करने को कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल करता है, आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है। लेकिन हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं वो जस्ट गुड स्मेल। अच्छा, तो ये दूसरा वाला है। ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल है। इट्स इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। ये तुम्हारे इधर ढेर सारे क्या है? इसको हिंदी में बोलते हैं नीलगिरी। सफेदे का पेड़। सफेदा। हाँ। यूकेलिप्टस। हाँ। ओके। शार्क पानी में से जंप करता है ना। हाँ। जो फिन निकलता है ना उस तरह का, तो हमने उसको शार्क रॉक नाम दे रखा है। शार्क रॉक। और ये भी तो अच्छा पेड़ है। ये कौन सा पेड़ है? ये तो नॉर्मल कैक्टस है। कैक्टस। नॉर्मल कैक्टस। तो आप देख सकते हैं कि नई नई चीज़ें लाइफ में ट्राई करनी चाहिए। बहुत अच्छा ट्रैकिंग का रूट है इन माउंट आबू। उन सभी लोगों से जो ऑब्वियसली समझते हैं कि भारत के अंदर जगहें नहीं हैं एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए। सो यू गाइस शुड कम हियर एंड फिगर दिस आउट। नाउ दैट्स द व्यू जहां पर हम पहुंच चुके हैं। ओह माय गॉड, लुक एट दिस व्यू। ये आपको व्यू दिख रहा है माउंट आबू से। कैन यू बीट इट? ये इंडिया है, माउंट आबू है। ये हम ट्रैकिंग के पॉइंट में पहुंच गए हैं। ये व्यू पॉइंट है। कैसा लग रहा है? हम यहाँ पर आए हैं। दिस इज इन इंडिया, दिस पॉइंट इज इन इंडिया। जी हाँ, ये ट्रैकिंग का पॉइंट इंडिया में है। बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये व्यू है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रही थी। देखो, ये केव्स है, ये व्यू है, और आई थिंक यहाँ पर बैठ के हम अपना नाश्ता करने वाले हैं थोड़े समय में। बिकॉज ये जगह है,
व्यू देखने के लिए, समझ सकते हो? आपकी कोई प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया बोले तो टिप्पणी टिप्पणी बस देखो, एंजॉय करो, रोज देखने को नहीं मिलता ऐसा। यस, देखिए हम यहाँ पे हनुमान जी का क्या कहते हैं टेम्पल देख रहे हैं। इट इज हिज छवि, वी कैन सी हियर। एंड ये टेम्पल के बारे में हमको हमारे गाइड साहब बताएंगे। जी हाँ, आप क्या कह रहे थे? एक्चुअली ये हनुमान टेम्पल है। हाँ, और एक्चुअली इट्स ये ट्राइब के द्वारा बनाया, जो ट्राइब कम्युनिटी होती है। हाँ, दे डोंट बिलीव इन लाइक बड़ा स्टैचू और बड़ा मंदिर, दे जस्ट पुट स्टोन, कलर इट एंड स्टार्ट बिलीविंग इन दैट। So it's all about belief. Belief. जिस तरह एक आपको अगर जनरल एग्जाम्पल दू तो हवा हर जगह, एयर इज एवरीवेयर, बट जस्ट टू फील हम लोग फैन के नीचे बैठते हैं। सेम थिंग ऐसा है कि भगवान हर जगह, बट टू फील हम लोग टेम्पल में जाते हैं और वर्शिप करते हैं। और इसीलिए हमको राम मंदिर की जरूरत थी और वो राम मंदिर अयोध्या में बन गया। जी जी, जय श्री राम। जय श्री राम।